हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है, जिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे सर्कुलेशन जारी कर दिया गया है। कितनी पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकलेगी और कितने नंबर्स ऑफ वैकेंसी रहेगी, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और देखिए, 2022-23 के लिए वैकेंसी रहेगी और ALP, ग्रुप डी, NTPC, RPF, JEE और भी अन्य पोस्टों की यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड अप्रैल 2023 तक 1,53,000 पदों को भरेगा, ठीक है। तो ये 2023 तक 1,53,000 पद भरने की बात की जा रही है। रेलवे में होगी 1,50,000 बहाली, तो देख सकते हैं आप लोग, लगभग 1,50,000 के आसपास यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकलेगी। इसी तरह देखिए, ये हिंदुस्तान में छपा हुआ है, इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, देख दैनिक भास्कर में भी ये न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, मिशन मोड। तो यहाँ पर रेलवे काफ़ी तेज़ी से मिशन मोड पर आ चुका है और आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से NTPC का एग्ज़ाम काफ़ी तेज़ी से कराया गया है, ग्रुप डी भी काफ़ी तेज़ी से कराया गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है रेलवे को एक टाइम डेडलाइन दे दिया है कि आपको मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग दे देना है, जो अभी अपकमिंग, अभी जो आपके रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं इनकी। अब उसके बाद 2024 में यहाँ पर चुनाव होने वाला, तो आपको बता दूं कि 23 तक आपकी ये भर्तियां निकाली जाएगी, जो बची हुई लगभग 1,50,000 भर्तियां निकलेगी। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी भर्तियां प्रमोशन अगले अप्रैल तक पूरी होगी। आप लोगों को बता दें कि जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है इनके ज्वाइनिंग वगैरह अप्रैल तक हो जाएगी। रेलवे देश भर में 1,50,000 पदों पर भर्तियाँ करेगा, ठीक है, आने वाले समय पर 1,50,000 पदों पर भर्तियाँ करेगा। लगभग 3,00,000 से पद यहाँ पर ज़्यादा खाली है, ठीक है, 3,00,000 से ज़्यादा पद खाली है। रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3,00,000 से अधिक पदों को भरने जा रहा है। तो इसमें लगभग 1,48,000 के आसपास जो है प्रमोशन से पद भरे जाएंगे जो ऑलरेडी है, और अगर प्रमोशन से पद भरे जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, जो नए पद खाली होंगे उनको मिलाकर लगभग 1,50,000 भर्ती और निकलेगी आपकी 2023 तक, ठीक है। 2023 में हम लोग बात करें तो अप्रैल मई तक, उसके बाद पहले जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपका 1-2 महीने बाद ये नोटिफिकेशन आने के चांसेस हो जाएंगे। देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, 3 अक्टूबर को जो एक नोटिफिकेशन आया था उसमें देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जनरल मैनेजर्स को सभी को यहाँ पर नोटिस भेजा गया था और सभी जोन के, जिसमें बोला गया फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी रेलवे इन मिशन मोड। मिशन मोड का मतलब ये होता है कि बहुत तेज़ी से एक टाइम पीरियड दिया गया है, उसके अंदर आपको सारे एग्ज़ाम कराना है, सारी वैकेंसीज को फिलअप करना है। तो मिशन मोड के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था पिछली बार कि देखिए, 12/9 हैज़ ये देखिए यहाँ पर 3 तारीख का है, और यहाँ पर देखिए, एज़ यू माइट बी अवेयर दैट DOP NTVID OM डेटेड 12/9/2022 हैज़ बीन डायरेक्टेड फिल अप ऑफ वैकेंसी इंक्लूडेड प्रमोशंस। देखिए, यहाँ पे प्रमोशंस के माध्यम से जो वैकेंसी हैं उनको फिल करने की यहाँ पर जानकारी दी गई, और साथ में आप लोग देख सकते हैं, देयर हैज़ बीन कंसिडर्ड द मॉनिटरिंग ऑफ फिलिंग अप द प्रमोशन कोटाज वैकेंसी एंड द मंथली टारगेट इन द रिगार्डिंग विच हैज़ बीन फिनिश्ड अर्लियर एज द जोनल रेलवे एंड नीड टू अचीव फुलफिल द ओवरऑल टारगेट ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जितना टारगेट है ये आपका प्रमोशंस के माध्यम से मार्च 2023 तक भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, और बाकी जो आपकी लगभग 1,50,000 जिनका भी एग्ज़ाम चल रहा है, लगभग आपकी 1,00,000 प्लस वैकेंसीज हैं, उनको भी यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। मैंने इस नोटिस को नीचे की तरफ पूरा आपको बताया था उस वीडियो में, लेकिन अभी इसमें इतना समय नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि उनको भी मार्च अप्रैल तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए, एक और यहाँ पर 19 तारीख का एक नोटिस हल्का सा आया था यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जनरल मैनेजर को यहाँ पर नोटिस दिए गए, तो किस लिए, डिटेल रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन ऑफ द कनेक्शन विथ कैडर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी कैटेगरी। तो यहाँ पर ग्रुप सी से रिलेटेड यहाँ पर एक नोटिस दिया गया था कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन सी यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट हैं जिनके यहाँ पर निकाली जा सकती हैं वैकेंसी। तो इसको लेकर अभी देखिए, हाल ही में 7 अक्टूबर की हम बात करेंगे मेन, अभी 7 अक्टूबर मतलब कि आप लोगों को आज की यहाँ पर नोटिस आया हुआ है। देखिए, सब्जेक्ट निकल कर नोटिस है 7 तारीख का, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट है सीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे। तो रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी बन गई है 2022-23 के लिए, और इसमें एजेंडा, जो डिफरेंट तरीके के एजेंडा होते हैं रेलवे से रिलेटेड, और स्पेशली इसमें यहाँ पर आपको वैकेंसी को लेकर भी बात की जाती है। देखिए, 7 अक्टूबर का नोटिस है और यहाँ पर सीटिंग कमेटी बन चुकी है। अगर सीटिंग कमेटी बनी है तो इसका मतलब रेलवे की जो वैकेंसीज आनी है इस पर डिस्कशन होगा इस कमेटी के अंतर्गत। तो ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि 2023 में आपकी लगभग 1,50,000 वैकेंसी आ रही है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह से आप लोगों को नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे, और यहाँ पर क्लासेस भी आपको अवेलेबल होती है तो वो भी मिल जाएगा, फ्री में टेस्ट सीरीज और बाकी ये सारी चीज़ें PDF नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल होते हैं इस चैनल में, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ देखिए, यहाँ पर 22 डेट, और जो डे रहेगी 22
सॉरी 20 अक्टूबर 2022 ट्यूसडे को यहाँ पर ये टाइमिंग दिया हुआ है। कमिटी जो है यहाँ पर कमिटी रूम सी पार्लियामेंट हाउस, देखिए पार्लियामेंट हाउस में कमिटी बैठेगी। और उसके बाद देखिए कंसिडर एज एन अडॉप्शन ऑफ मेमोरेंडम नंबर 1 रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर द एग्जामिनेशन बाय द कमिटी ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 एंड चॉक आउट फ्यूचर ऑफ द कमिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली अभी वैकेंसी नहीं बोला गया, लेकिन इस कमेटी का मतलब ये होता है कि आप लोग की वैकेंसी के लिए भी बात की जाएगी। यहाँ पर अदर टॉपिक में भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी के लिए भी यहाँ पर बात होगी। और आपने देखा होगा कि 2024 में अगर चुनाव है तो उससे पहले 23 में आपको नोटिफिकेशन 100% निकलेगा, 24 तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। जिस प्रकार से रेलवे काफ़ी तेज़ी से बाकी एक एग्ज़ाम करा रही है, अभी NTPC के सारे स्टेज लगभग हो गए हैं और आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी कम्प्लीट होने जा रहे हैं, तो ये जिस प्रकार से प्रोसेस हो रही है तो जल्दी ही होने वाली सारी चीज़ें। आप लोगों को मैं बता दूं कि दिसंबर तक आप लोगों को यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ग्रुप डी का, और अभी नवंबर के महीने में आपका यहाँ पर आंसर की आ सकती है, और जनवरी में फिजिकल की डेट दे दी जाएगी। तो जनवरी फरवरी में आपका फिजिकल वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर अप्रैल तक फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, चाहे वो ग्रुप डी हो NTPC हो, सभी की प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल चैनल के साथ बने रहें, इस तरह की अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।